हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोइज और आप सब देख रहे हैं डिलीशियस मोइज किचन। सो वी आर बैक विद अ डिश दैट इज सर्व्ड स्पेशली ऑन द मेन टेबल इन शादी और वलीमा ऑफ हैदराबादी मैरिजेस। सो या यू हैव गेस इट करेक्टली, इट्स कद्दू का रेशा और यू कैन कॉल इट एज कद्दू का हलवा। सो लेट्स सी व्हाट ऑल इंग्रेडिएंट्स इज रिक्वायर्ड टू मेक कद्दू का हलवा। तो सबसे पहले हमने लिया है एक मीडियम साइज का कद्दू, जिसको हमने कद्दूकस कर दिया है और इसे स्क्वीज करके हमने इसका पूरा पानी निकाल दिया है। और उसी के साथ हमने ली है थोड़ी 300 ग्राम्स ऑफ शुगर और 500 ml ऑफ मिल्क। और उसी के साथ हमने लिया है नॉर्मल 100 ग्राम्स ऑफ घी और 150 ग्राम्स ऑफ मलई। उसी के साथ हमने ली है 200 ग्राम्स ऑफ खोआ और आधा चाय का चम्मच जायफल और जावित्री का पाउडर और आधा चाय का चम्मच इलायची का पाउडर। हमने लिया है पाइनएप्पल आइसेंस और ग्रीन कलर, और हमने लिया है क्रीम जो हम 2 टेबलस्पून सिर्फ यूज करेंगे, और देसी घी हम 2 टेबलस्पून यूज करेंगे, मिल्कमेड 2-3 टेबलस्पून हम इसमें यूज करेंगे, और हस्बे जरूरत हम पानी का इस्तेमाल करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। और गार्निशिंग के लिए हमने लिया है काजू बादाम, जिसको हमने बारीक काट लिया है, और थोड़े साबित काजू और थोड़े साबित से बादाम, और हमने साथ में लिया है ये वरख गार्निश करने के लिए। तो आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं कद्दू का हलवा। तो हमने पैन गर्म होने के लिए रख दिया है, ये हाई फ्लेम पर है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ नॉर्मल घी जो होता है, वो हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून, और इसी के साथ हम डालेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी। चलिए ये 2 टेबलस्पून टोटल 4 टेबलस्पून देसी घी और नॉर्मल घी मिलाकर हो चुका है। अब ये जब अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे कद्दू और उसे अच्छे से भुनेंगे। चलिए तो ये अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालते हैं जिसका पानी हमने स्क्वीज करके रखा है, वो डालते हैं कद्दू इसमें और हम इसे अच्छे से भुनेंगे। अब जो आपको ये क्वांटिटी दिख रही है उतना मीठा नहीं बनेगा, ये उससे कम हो जाएगा, क्योंकि कद्दू में पानी होता है तो वो थोड़ा सूख जाएगा। तो अब हमें इसे अच्छे से भूनना है। अब हम इसे भूनेंगे तकरीबन 6-8 मिनट के लिए। तो हम इसे भून रहे हैं तकरीबन 8 मिनट से, और आप देख रहे हैं कि हमने जो पानी स्क्वीज कर दिया था कद्दू का, जिसकी वजह से पानी बिल्कुल भी नहीं छूटा है, और घी हम देख सकते हैं कि नॉनस्टिक पैन में नीचे लगा हुआ है। तो ये अभी अच्छे से भुना जा चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये दूध। याद रखिए हम अभी तक भी इसकी फ्लेम हाई ही रखें, तो आधा तो कद्दू गल चुका होगा और आधा अब गल जाएगा हम दूध डालने के बाद। मुझे लगता है कि इसमें हमें थोड़ा पानी डालने की ज़रूरत है, तो मैं डालूँगा इसमें 1/2 कप ऑफ वाटर और अब हम इसे अच्छे से पकने देंगे। इसमें हम पहले डालेंगे थोड़ा ग्रीन कलर, तीन से चार ड्रॉप्स बस, ज्यादा नहीं। बस अब हम इसे स्लो पे पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक कद्दू थोड़ा गल ना जाए 75%। इसे अब हम ढककर स्लो पर छोड़ देंगे। तो हम इसे 5-6 मिनट से ढककर पका रहे हैं, और इसका पानी देखिए आप छूटा है, लेकिन अभी लगता है कि कद्दू नहीं गला है। तो और अभी हम इसे गलने के लिए छोड़ेंगे। अगर आपको पानी डालने की ज़रूरत पड़ी तो और आप आधा ग्लास पानी ऐड करके इसे गलने के लिए छोड़ दीजिए। 75% ये गला हुआ हमें चाहिए फिलवक्त, जब हम इसे अदर इंग्रेडिएंट्स ऐड करने से पहले हमें इसे 75% गलाना है। तो हम इसे ढककर पकाएंगे और 5-6 मिनट्स। तो हम इसे पका रहे हैं तकरीबन 10 मिनट से, और 1 कप पानी हम इसमें ऐड कर चुके हैं अभी तक, या फिर 1 ग्लास आप कह सकते हैं, और ये कद्दू अब 75% गल चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे इस स्टेज पे शुगर। शुगर ऐड करके आप जैसे से मिक्स करिए।
और इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे खोआ। तो ये खोआ डालकर आप अच्छे से इसे मिक्स करिए। अब आपको इसे ये पानी सूखने तक, शीरा जो भी बना है शक्कर डालने के बाद वो सूखने तक इसे पकाना है। आपको अब ढापने की कोई ज़रूरत नहीं है, बगैर ढापे आप इसे बना सकते हैं। तो हमने जो जायफल और जावित्री का पाउडर लिया है उसमें से सिर्फ हम आधा अभी डालेंगे और इलायची का भी पाउडर हम सिर्फ आधा डालेंगे। बाकी का पाउडर जब शक्कर एक बार पक जाएगी तब हम डालेंगे मलाई के साथ। तो इसे मिक्स करिए अच्छे से और पकने दीजिए। अगर आप ढापना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे कवर कर सकते हैं आप लिड से और इसे पकने के लिए छोड़ दीजिए जब तक ये शीरा थोड़ा सूख नहीं जाता। तो अब आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में मरफा चल रहा है उसी के साथ इसमें बबल्स आ चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे मलाई। अब मरफा तो नहीं रोक सकते, तो इन्जॉय करिए बैकग्राउंड म्यूजिक। ये है मलाई, उसके साथ मतलब मीठा बन रहा बोल के मालूम हो गया मेन टेबल का मीठा है ना। तो साथ ही हम डाल चुके हैं इलायची पाउडर और जायफल जावित्री का पाउडर। आई हैव टू रेज माई वॉइस नाउ एंड नाउ वी आर गोइंग टू पुट सम क्रीम इन टू इट। जस्ट 2 टेबल स्पून ऑफ क्रीम विल गो इन, देन गोज इन द मिल्क मेड। जस्ट 2 टेबल स्पून ऑफ मिल्क मेड, then we'll stir it and we'll cook it for another 5 minutes till when these liquidy kind of juice get soaked into it and become somewhat like halwa. So let's cook it on a high flame for 5 minutes and then it will be ready to serve. Let me show you again after 5 minutes. तो ये देखिए आप, ये बनकर रेडी हो चुका है। आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत ही टाइट बबल्स आ रहे हैं और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, इतना तो लूज रहना ही चाहिए। ठंडा होने के बाद ये और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम मैं इसे इसका फ्लेम शट कर रहा हूँ और हम इसे 5-10 मिनट्स के बाद सर्व करेंगे। तो हो चुके हैं 5 मिनट्स, अब हम इसे सर्व करेंगे। देख रहे हैं आपकी कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल बराबर हो चुकी है और अब इसे हम सर्व कर रहे हैं। हम इसे सर्व करेंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ और चांदी के वरख के साथ। तो ये लीजिए, हमने इसे निकाल लिया है, अब हम इसे गार्निश करते हैं। तो अब हम इसे सर्व करेंगे चांदी के वरख के साथ। ये है चांदी का वरख, अब मैं इसे लगाऊंगा इस पे। तो ये इस पे लग चुका है, अब हम इसे गार्निश करेंगे थोड़े कटे हुए काजू और बादाम। हमारा कद्दू का हलवा बनकर रेडी हो चुका है। लिख रही है ना भारी प्लेट, तो लीजिए बनकर रेडी है कद्दू का हलवा। दिख रही है ना बहुत भारी प्लेट, और बेशक इसमें बहुत सारे हैवी आइटम्स हैं, तो आप इससे मेरे ख्याल से एक कटोरी से ज़्यादा कोई भी शख्स इसे खा नहीं सकता है। तो इसे सर्व करिए और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी खुशबू माशाल्लाह है। तो मेरे हिसाब से खाने वाले और बनाने वाले दोनों भी चीखा मारेंगे। सो थैंक यू एंड बाय बाय अंटिल नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर एंड मोर डिलीशियस रेसिपीज। थैंक यू एंड बाय बाय।